सर रक्षित। जी रक्षित, बताइए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का मुद्दा उठाने आया। जी, करीब 2 महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र सड़कों पे बैठे हुए हैं, ना तो हमारी सरकार की तरफ से सुनवाई है ना वीसी साहब की तरफ से सुनवाई है। क्या मुद्दा क्या है? ये ओबी को लेकर है सर मुद्दा। मतलब हमारा मुद्दा ये है कि जो 60-70% सिलेबस है वो हमें ऑनलाइन पढ़ा गया, और बकायदा आज भी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन चल रही हैं। जी, मतलब टीचर का जैसे कन्वीनियंट होता है वो अपने हिसाब से क्लास लेते हैं। जी, और अब ये हमें ऑफलाइन एग्जाम के लिए, मान लीजिए प्रैक्टिकल की क्लासेस ऑनलाइन ली है, प्रेटर्स को हमने टच नहीं किया है जो साइंस के स्टूडेंट है, और वो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल दे दें उन्हें और ऑफलाइन एग्जाम दे दें। मतलब ऑड इवन का वो किया है ना, तो हम वाइस चांसलर सुनवाई कर रहे हैं, और ऊपर से हमारे पास पुलिस की लाठीचार्ज होता है। भले मुझे मालूम है कोरोना का समय जो है बहुत मुश्किल और बहुत कठिन बीता है, उसमें ऑनलाइन शिक्षा हुई है, लेकिन साइंस के विद्यार्थियों का भी एक ये मांग है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो ये है मसला, जरूर आपका आपकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए, और वाइस चांसलर साहब को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और कुछ भी जो मेरे 2 साल जो कठिन पूरी तमाम सारे लोगों ने देखा है वो मुद्दा निश्चित तौर से एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं अपने मुद्दे पर लौटता हूँ, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है।